आचार्य विनोबा भावे का जीवन परिचय। विनोबा भावे एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, सामाजिक कार्यकर्ता और भूदान आंदोलन के प्रणेता थे, जिनका मूल नाम विनायक नारायणी भावे था। आचार्य विनोबा भावे का जन्म 11 सितंबर 1895 ईस्वी को रायगढ़, ब्रिटिश भारत में हुआ और इनके पिताजी का नाम विनायक नरहरी शंभू राव और माताजी का नाम रुक्मिणी देवी था। ये चार भाई बहन थे जिनमें विनायक सबसे बड़े थे। इनकी माताजी धार्मिक चीजों से बहुत प्रभावित, इसलिए इनको श्रीमद् भागवत गीता बचपन में ही पढ़ने का मौका मिला। 1915 में उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की। पिता ने कहा, फ्रेंच पढ़ो। माँ बोली, ब्राह्मण का बेटा संस्कृत न पढ़े, ये कैसे संभव है। विनोबा ने उन दोनों का मन रखा, इंटर में फ्रेंच को चुना। संस्कृत का अध्ययन उन्होंने निजी स्तर पर जारी रखा। 1916 में महात्मा गांधी द्वारा लिखित एक अखबार के टुकड़े को पढ़ने के बाद भावे ने इंटरमीडिएट परीक्षा में बैठने के लिए बॉम्बे जाते समय अपने स्कूल और कॉलेज के प्रमाण पत्रों को आग में फेंक दिया। गांधी ने भावे को अहमदाबाद के कोचरब आश्रम में एक व्यक्तिगत बैठक के लिए आने की सलाह दी। 1920 में वर्धा आश्रम के संचालन का कार्य उन्होंने अपने कंधों पर ले लिया। गांधी जी की तरह सत्य, अहिंसा तथा सत्याग्रह के माध्यम से अंग्रेज विरोधी आंदोलनों का नेतृत्व किया। विनायक नरहरी भावे, जिन्हें विनोबा भावे के नाम से भी जाना जाता है, अहिंसा और मानवाधिकारों के एक भारतीय समर्थक थे। अक्सर उन्हें आचार्य कहा जाता है। उन्हें भूदान आंदोलन के लिए जाना जाता है। उन्हें भारत का राष्ट्रीय शिक्षक और महात्मा गांधी का आध्यात्मिक उत्तराधिकारी माना जाता है। वह एक प्रख्यात दार्शनिक थे। 1920 और 1930 के दशक में भावे कई बार जेल गए और 1940 में उन्हें 5 साल के लिए जेल जाना पड़ा। बीसीओ भाषाओं के ज्ञाता विनोबा जी देवनागरी को विश्व लिपि के रूप में देखना चाहते थे। भारत के लिए वे देवनागरी को संपर्क लिपि के रूप में विकसित करने के पक्षधर थे। वे कहते थे कि मैं नहीं कहता कि नागरी ही चले, बल्कि मैं चाहता हूं कि नागरी भी चले। उनके ही विचारों से प्रेरणा लेकर नागरी लिपि संगम की स्थापना की गई है, जो भारत के अंदर और भारत के बाहर देवनागरी को उपयोग और प्रसार करने के लिए कार्य करती है। भारत के एक सर्वाधिक जाने माने समाज सुधारक एवं भूदान यज्ञ नामक आंदोलन के संस्थापक थे। इनकी समस्त जिंदगी साधु सन्यासियों जैसी रही, इसी कारणवश ये एक संत के तौर पर प्रख्यात हुए। विनोबा को 1958 में प्रथम रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत सरकार ने उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से 1983 में मरणोपरांत सम्मानित किया। इनका सामाजिक सशक्तिकरण के प्रति बहुत लगाव था और उन्होंने जय जगत का नारा दिया था। इनकी मृत्यु 15 नवंबर सन 1982 में वर्धा महाराष्ट्र में हुई। उस समय भारत की तात्कालिक प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी एक सोवियत नेता लियोनिद के अंतिम संस्कार के लिए मॉस्को जाने वाली थीं, लेकिन आचार्य की मृत्यु की खबर पाकर उन्होंने वहां जाना रद्द किया और आचार्य के अंतिम संस्कार में शामिल हुई। इनकी रचनाएं गांधी पर विनोबा, अंतरंग और परम, शिक्षा पर विचार, गीता पर बातचीत आदि है।